साथियों नमस्कार। आज है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और यह है 75वां इंडिपेंडेंस डे हिंदुस्तान के लिए। आज से 74 साल पहले, 75वां साल लग गया, वह 74 साल पहले देश को आज़ादी मिली ब्रिटिश डोमिनियन से। ब्रिटिश ने इस देश पे राज किया और 15 अगस्त को देश को 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ब्रिटिश ने अपने चंगुल से, कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं किया, इसको आज़ाद करके भारतीयों के हाथ में सौंप दिया और इसका नाम रख दिया गया डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये आपको शायद जानकारी नहीं होगी। अंग्रेजों ने जाते जाते एक बीज बो दिया, क्योंकि धर्म के आधार पे देश का दो टुकड़े भी कर दिए गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पे देश के एक टुकड़े की मांग की और पाकिस्तान बना दिया गया, जिन हालतों में बना आप सबको पता है। 12 बजे रात को जो लाहौरी गेट है रेड फोर्ट का, वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने अनाउंसमेंट की देश की आज़ादी का। लेकिन 47 से 50 तक, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया संविधान जब तक लागू नहीं हुआ, तब तक देश की सिंबॉलिक बागडोर किंग जॉर्ज सिक्स के हाथ में थी। और 26 जनवरी 1950 को ही देश को पूर्ण रूपेण एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में देश को एक नई मान्यता मिली। साथियों, जिस प्रकार से उस वक्त के लोगों ने, क्रांतिकारी वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्ला खान हो, ये लाला हरदयाल हो, लाला लाजपत राय हो, नाम लीजिए, अनगिनत नाम हैं। कईयों के नाम तो देश जानता भी नहीं है किसने किस कोने में कुर्बानी दी। और उन अनगिनत साथियों के लिए आज नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है, उनके वचनों को, उनके विचारों को जानने का, पढ़ने का, समझने का दिन है। किस प्रकार के भारत की संरचना उन्होंने सोची थी। भगत सिंह ने जब लिखा था कि अपने जो आखिरी चिट्ठी है माँ को जो लिखा है कि माँ, मुझे नहीं लगता कि देश पूर्ण रूपेण आजाद हो पाएगा, गोरे अंग्रेजों से निकल के काले अंग्रेजों के हाथ चला जाएगा, क्या आज ऐसा है या नहीं, इस पे हम सबको विचार करना है। आजादी किस मायने में, क्योंकि जो उस वक्त के अमीर थे वो अमीर ही रह गए, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, सरकार किसी की भी आए उनके मुट्ठी में, सरकार किसी की भी आए मुट्ठी में, अंग्रेजों की आए, हिंदुस्तानियों की आए मुट्ठी में, पॉकेट में। तो जो असली सपना था क्रांतिकारी वीरों का कि देश का हर बच्चा पढ़ लिख ले, देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे बंटवारा ना हो, इंटरनल मेंटल फिजिकल बंटवारा ना हो, क्या वो हो पाया, क्या देश वो उस मुकाम तक पहुंच पाया, क्या स्वास्थ्य सेवाएं देश में हर व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके इनकम कैपेसिटी मिल पाया, क्या देश के अंदर आज गरीब अमीर का, छोटे बड़ों का भेदभाव मिट पाया, क्या जो एससी समाज के हमारे साथी हैं उनको वो रुतबा जिसका बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा, क्या वो मिल पाया, क्या औरतों को, हमारे महिला साथियों का, क्या उनको आज़ादी पूर्ण रूपेण मिल पाई, क्या आज भी महिला हमारे देश में स्वतंत्र है घूमने के लिए बगैर किसी डर के। अभी हुआ घटना 3-4 दिन पहले, 9 साल की बच्ची का बलात्कार करके जला दिया दिल्ली में। तो बहुत सारे सवाल हैं, और सवालों से भागने की जरूरत नहीं है, सवालों को फेस करना है, उसका जवाब लेके आना है, समाज को सुधारना है,
पॉलिसी बनानी है, देश के क्रांतिकारी वीरों की लाज बचानी है, उनके सपनों को पूरा करना है, उसके बगैर भारतवर्ष नहीं बनता। केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक नया मॉडल शुरू किया जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में, बिजली पानी में भी तो किया ही, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांतिकारी कदम उठाया उसकी हर तरफ चर्चा है। ये दो काम, भले मैं बायस लगूं चूंकि मैं आम आदमी पार्टी से हूं, अरविंद जी का साथी हूं, लेकिन इस इंसान ने देश को वो दो चीजें दी, वो जो सपना दिखाया कि ये संभव है, अगर सरकारें चाहें तो सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर हो सकते हैं, सबको बराबर के शिक्षा का अधिकार मिल सकता है, अगर सरकारें चाहें तो स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट से बेहतर सरकारें मिल सकता है, अगर किसी भी शख्स को आपने स्वास्थ्य और शिक्षा की गारंटी दे दी उसके बाद उसका विकास ऑटोमेटिक हो जाता है, चिंता नहीं रहती। नहीं तो माँ बाप ना अपने घर घर दुकान सब बेच डालते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। तो कम से कम दिल्ली में ये सपना पूरा हो रहा है। मैं अपने बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली के सीएम माने मुख्यमंत्री का, दिल से, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं मैं देखता हूं, आपको तो मीडिया कुछ को कुछ दिखाती होगी, लेकिन मैं जानता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई आप सबके तरफ से, दिल्ली के और देश के हर निवासी के तरफ से, कि उन्होंने इस सपने को जिंदा कर दिया, जो सपना मर गया था कि दिल्ली में, देश में क्या क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर सरकार अंतिम में खड़ा आखिरी व्यक्ति को दे सकती कि नहीं दे सकती, उन्होंने करके दिखा दिया। अब किसी न किसी दिन देश का शासन संभालेंगे अरविंद जी तो पूरे भारत में ये हो पाएगा। तो ये 15 अगस्त है और आज के दिन हम सब मिल करके इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने किसी भी कार्य से, अपने किसी भी वाणी से देश का अहित नहीं होने देंगे। देश आगे है, सबसे आगे है, हमारे धर्म से भी आगे है, हमारे जाति से भी आगे है, हमारे शरीर से भी आगे है, शरीर का कुर्बानी दे करके देश की रक्षा करनी है, किसी को अपने देश के तरफ आंख नहीं उठाने देंगे, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, और इसे बातों से नहीं करके दिखाएंगे, हम सबको करके दिखाना है। जहां भी रहें देश के विरोध में कोई बोल रहा हो, चाहे देश का अंदर का आदमी को ना हो, हमें इन सारे ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है। कई लोग खाते अपने हैं, गाते बाहर की हैं, उनको भी बताना है, और कई लोग देश को बांटने में लगे हुए हैं धर्म के आधार, जाति के आधार, और मैं आज कहना चाहता हूं, यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, यह देश जितना ईसाइयों का है उतना सिखों का है, यह देश जितना जैनियों का है उतना बुद्धिस्ट का है, सब धर्म का है, सब जाति का है, यही तो देश की खूबसूरती है। जब सरदार पटेल ने भिन्न भिन्न राजाओं को पकड़ के जब देश को एक किया, जब बड़ा देश बड़ा बनाया, तभी तो उनको लौह पुरुष कहते हैं, और इसलिए बनाया था कि हम सब इकट्ठे रह सकें, एक किसी एक धर्म का ना, जिस प्रकार से पाकिस्तान बन गया धर्म के आधार पर, हिंदुस्तान को वो दिन नहीं देखना पड़े। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम सब मिल करके देश को धर्म जाति क्षेत्र से ऊपर रख करके हर तरफ से चहुमुखी विकास का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा उसको पूरा करें, संकल्प लें। आप संकल्प लेंगे तो बात पूरा होगा, भारत माता खुश होगी, और भारत माता की जय ऐसे होती है, शब्दों से नहीं, शब्दों से तो करेंगे भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन साथ साथ में करनी और कथनी एक होना है। भारत माता की जय कब होगी? जब हम हर क्षण हर पल भारत माता की चिंता करेंगे, भारत की चिंता करेंगे, भारत के क्रांतिकारियों की चिंता करेंगे, भारत के हर व्यक्ति की चिंता करेंगे कि क्या क्या सपने सबके हैं, हम सब आगे बढ़ेंगे और इकट्ठे आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे छूट ना जाए, किसी धर्म का व्यक्ति, किसी क्षेत्र का व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति छूट ना जाए। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया जिसमें इक्वालिटी के राइट्स दिए, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, इस सब सभी राइट्स का पूर्ण रूपेण रखवाली हो, कहीं कोई अपने हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा हो तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि संविधान को तुम छू नहीं सकते, संविधान बहुत जज्बे से लिखा गया है, जज्बे से बनाया गया है,
ये देश को कोई तोड़ने की प्रयास कर रहा हो तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। आइए संकल्प लें, इस देश के लिए हम हैं क्योंकि देश हमारे लिए है। हम हैं, देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं हैं। और इस बात को अपने कॉन्शियस में, अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी ताकत, चाहे घर का हो या बाहर का हो, देश को तोड़ ना सके। देश में रह रहे व्यक्तियों के, हर व्यक्ति के सपने को पूरा करने में हम सभी काम करेंगे तो बात बन पाएगी। जय हिंद, जय भारत।